नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। ये वीडियो है भारत का एक RLV, ध्यान रखिएगा नाम को, RLV अर्थात रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसका नाम, पूरा नाम है RLV LEX 03, या इसको देसी नाम दिया गया है पुष्पक। इसका एक सफल परीक्षण किया गया, ये अंतिम परीक्षण था। वास्तव में ये जो RLV है यहीं भेजा जाएगा स्पेस शटल के रूप में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ये परीक्षण किया। कर्नाटका के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR में ये परीक्षण किया गया। सुबह 7:10 पर यह परीक्षण किया गया था। और इस परीक्षण में इसरो ने जो है क्या किया था, लैंडिंग इंटरफेस और तेज गति में विमान की लैंडिंग की स्थितियों को जांचा, परखा। इसके लिए जो है मिशन के लिए जे मुथु पांडियन मिशन के निदेशक थे और बी कार्तिक यान के निदेशक हैं। इसमें क्या हुआ है कि इसे 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहले ले जाया गया चिनूक हेलीकॉप्टर की सहायता से, फिर वहां से छोड़ा गया। रनवे से 4.5 किलोमीटर दूर जो रिलीज पॉइंट बनाए थे वहां से छोड़े जाने के बाद में पुष्पक जो है क्रॉस रेंज, मतलब नीचे की ओर भागा, मतलब आएगा ही नीचे की ओर। और उसके बाद में क्या हुआ, इसको क्षैतिज लैंडिंग करनी थी तो इसने सफल क्षैतिज लैंडिंग की। क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल। उस समय इसकी वेलोसिटी थी 320 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि आपको मालूम होना चाहिए एक जो कमर्शियल विमान होता है उसकी वेलोसिटी होती है 260 किलोमीटर पर आवर, और जो युद्धक विमान होते हैं उनका 280 किलोमीटर पर आवर होता है मैक्सिमम स्पीड लैंडिंग की। लेकिन इसका कहीं ज़्यादा था। लैंडिंग के बाद में ब्रेक पैराशूट का उपयोग किया गया और फिर इसको 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम किया गया। फिर उसके बाद में लैंडिंग गियर ब्रेक का उपयोग किया गया जमीन पर रुकने के लिए रनवे पर। ग्राउंड रोल के दौरान जो है उस पक में रनवे पर ऑटोमेटिक तरीके से संतुलन बनाए रखने के लिए जो नोज व्हील स्टीयरिंग प्रणाली का उपयोग किया गया था वो सफल था। और तो और इस मिशन में अंतरिक्ष से लौटने वाले RLV की उच्च गति की लैंडिंग स्थितियों को भी जो है टेस्ट किया गया, जो सही उतरा, खरा उतरा। इसके अध्यक्ष, इसरो के अध्यक्ष इसमें यश सोमनाथ, इन्होंने कहा कि इससे जो है हमारे जो अंतरिक्ष में जाने का हमारा जो प्लान चंद्रयान भेजने का, या मैंड जो हम प्लान है ना हमारा जाने का चंद्रमा पर, उसको जो है एक नया पंख लगा है, अर्थात नई सफलता की ओर हम लोग अग्रसर हैं। अच्छा, एक बात और भी कि इससे पहले ये तो थर्ड मिशन था, RLV LEX 3 मिशन था। इसने जो है इससे पहले दो और मिशन हुए थे जिसको कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और इस जो RLV 3 मिशन है इसमें RLV LEX 2 के जो कुछ चीज़ें थी उनको लिया गया था, बिना संशोधन के पुनः उपयोग किया गया था, जैसे पंखयुक्त ढांचा, समझ रहे हैं। इससे जो है पुनः उड़ान की प्रणालियों को पुनः उपयोग में लाने के लिए इसरो की डिजाइन क्षमता को मजबूती मिली है, कि मतलब इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। इस मिशन को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने अंतरिक्ष अनुप्रयोग, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क से पूरा कंट्रोल किया था। और मिशन में वायुसेना, वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान, हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला IIT कानपुर, भारतीय तेल निगम और भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण शामिल था। तो कुल मिलाकर के यह एक सफल परीक्षण था।
सफल मिशन है। उम्मीद करता हूँ कि आगे भारत इसे चंद्रमा पर अपने जो मैन्ड मिशन को भेजने की बात कर रहा है उसमें सफलता मिलेगी। मैं आपकी वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।